For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. Coffee with Karan एक ऐसा शो है जहां पर ज्यादातर लोग आते हैं और फंस जाते हैं या फिर दूसरों को फंसा के चले जाते हैं, लेकिन इस बार जो सेलिब्रिटीज कंट्रोवर्सी में फंसे हैं वो कोई फिल्म स्टार्स नहीं है बल्कि क्रिकेटर्स हैं। यस, यानी कि हार्दिक पांड्या और केएल राहुल इस बार जब कॉफी विद करण पे आए थे तो दोनों के आने के बाद हार्दिक पांड्या जो है जिस तरह के उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए, वुमेन रिलेटेड स्टेटमेंट्स जो उन्होंने दिए, अपनी सेक्स लाइफ के बारे में जो भी बातें की, उन सबको लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है उनके अगेंस्ट। उनको दो मैचेस से बैन कर दिया गया। तो यहाँ पर मैं आई हूँ ऑडियंस का रिएक्शन लेने। हम लोगों से जानेंगे उनके व्यूज़ की, उन्हें क्या लगता है हार्दिक ने जो कहा वो सही था या गलत था, और अगर गलत था तो उन पर जो बैन लगा है वो सही है या गलत है। हाल ही में हार्दिक पांड्या पर जो बैन लगाया गया है उस पर आपका क्या रिस्पॉन्स है? बिकॉज कॉफी विद करण में उन्होंने काफ़ी ऐसे स्टेटमेंट्स दिए थे, तो उस पर आपका क्या रिएक्शन है? कहीं ना कहीं जो उन्होंने बोला वो तो गलत था, वो तो आपको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आप वुमन हो। तो वो सुन के मतलब किसी को भी गुस्सा आ सकता है, और ट्रोल तो बहुत छोटी बात है। उनको जो है दो मैचों से बैन कर दिया गया ऑस्ट्रेलिया दौरे से, इसके अलावा न्यूजीलैंड का जो आने वाला जो मैच है उससे भी बैन किया गया है, और आगे अभी पता नहीं क्या फैसला आता है उसके ऊपर। तो जैसे आपने पूछा तो वो जो भी उन्होंने बोला था वो गलत है, क्योंकि उन लोग पहली बात तो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि बहुत बड़ी बात है, और इंडिया को रिप्रेजेंट करने के टाइम आप ऐसा कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि बहुत सारे आपके फॉलोअर्स हैं, आप एक एथलीट हैं और आपको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। तो ये जो भी उन्होंने बोला वो गलत था। कॉफी विद करण एक ऐसा शो है जिसमें इसी के लिए बुलाया ही जाता है कि कुछ क्रिएट किया जाए। और इवन ये अगर हार्दिक की बात करो तो सिर्फ वही नहीं है, इससे पहले भी जितने आए हैं सबने अपनी ज़िंदगी जो है खुल कर रखी है। तो हार्दिक ने भी शायद उसको मस्ती में, अगर आप बोल सके, या फिर नेचुरल जो भी है, उन्होंने जो क्वेश्चन, आपको पता ही है कि करण किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, तो शायद मेरे को लगता है कि मस्ती में बोल दिए रहेंगे। इसके लिए अभी इनको बैन लगा दिया गया है, बैन लगाना इस पर मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है। थोड़ा सा शॉकिंग मैं बोलूँगी, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म पे उन्होंने जिस तरीके की वर्डिंग्स यूज़ की हैं या जो पूरा मैसेज कन्वे किया है वो नहीं करना चाहिए था, जहाँ तक मुझे लगता है, बीइंग इन बिलोंगिंग टू इंडिया। एंड सेकेंडली, लेकिन मैं ये उनके साथ ये भी चाहूँगी कि वहाँ पे उतनी डेमोक्रेसी है, लोगों को उतनी उनको लिबर्टी दी गई है कि दे कैन से एनीथिंग, तभी वो कॉफी विद करण है। तो अगर वहाँ पे वो प्लेटफॉर्म है बोलने का, तो आई डोंट थिंक कि पीपल को उस चीज़ के लिए एक्शन लेना चाहिए, दे शुड स्टैंड फॉर इट कि भाई क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई वो प्लेटफॉर्म है, वहाँ नहीं बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे? या तो तुम्हें वो प्लेटफॉर्म बैन कर दो, या तो फिर तुम पहले से बता दो कि ये चीज़ आप बोल सकते हो, ठीक है? तो मैं जहाँ तक मैं सोच रही हूँ, कहीं ना कहीं ठीक भी उन्होंने कहा, बट अगर प्लेटफॉर्म के वे में जाऊँ तो फिर हो सकता है कि शायद उन्हें नहीं भी बोलना चाहिए था इंडिया को कंसिडर करके। बैन लगाना एक तरह से गलत भी था और सही भी था। सही था क्योंकि उनको वो लेसन सिखाना ज़रूरी था, क्योंकि ये बात सही है कि उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ है, वो मतलब वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वो ऐसे स्टेज पे जब वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हज़ारों लोगों का इंस्पिरेशन है, वो बच्चे उनको देख कर बड़े हो रहे हैं, और ऐसे टाइम पे वो ऐसा कुछ बोलेंगे तो मतलब दूसरों के लिए सही नहीं है। बोल सकते हैं वो, लेकिन थोड़ा प्राइवेट में बोले तो बेटर होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए था उनका, क्योंकि हार्दिक पांड्या एज लाइक उन्होंने बहुत अपने लाइफ में बहुत करके, कोई भी क्रिकेट में आता है सो मेहनत करके आते हैं, और कॉफी विद करण ऐसा शो है कि वहाँ पे हम कुछ भी कॉन्ट्रोवर्सी पूछते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं क्वेश्चन, अगर हाँ उनके मुँह से ऐसा निकल गया है तो बैन करने की बात है, तो वो नहीं करना चाहिए था बैन, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है। और रही बात सेक्स की, तो वो सब लोग ऐसे अपनी लाइफ में करते हैं या सो एज लाइक उन्होंने थोड़े अपने कॉफी विद करण में कुछ भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी लास्ट फिलहाल में मैंने शो देखा था सैफली एंड सम सारा स्टाव, उसमें भी कुछ भी क्वेश्चन पूछा गया था, उन्होंने भी कुछ अपनी लाइफ के बारे में बोला था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम उस चीज़ को लेके उनके फ्यूचर का बैन कर दें। तो हमें मुझे ये मेरे साइड से लगता है कि ये गलत सारा बहुत ही गलत है हुआ है। अकॉर्डिंग टू आपको लगता है ये इतना बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए था इस बैनिंग का स्पेशली, क्योंकि लाइफ टाइम बैन लगा देना या फिर उनको क्रिकेट खेलने से मना कर देना इज अ रियली बिग थिंग। हाँ, मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसके अगर उसने उन्होंने सेक्स के बारे में बात कर ली, उन्होंने लड़कियों के बारे में बात कर ली, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको ज़िंदगी, ऐसा तो नहीं है कि जिन्होंने बैन लगाया उन्होंने कभी कुछ किया नहीं होगा, दूध से नहा क्या है वो, ऐसा कुछ है नहीं। तो मेरे हिसाब से उनको बैन नहीं लगाना चाहिए। हाँ, थोड़े दिन के लिए अगर आप कर दो हमेशा, हाँ कर दो, वो अलग बात है कि उनसे उनको सीख मिले कि आगे से ऐसा नहीं बोलना है, लेकिन बैन लगा देना ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं था। अगर मैं बैनिंग की बात करूँ तो उनको क्रिकेट खेलने से मना हो गया है, बैन लग गया उन पर, तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है कहीं ना कहीं। तो इस पर आपका क्या रिस्पॉन्स है? मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि
बैन नहीं लगाना चाहिए था, बिकॉज जिन्होंने बैन लगाया है ऐसा तो नहीं होगा उन्होंने किया नहीं होगा, तो ऑब्वियसली एग्जैक्टली दिस इज अ पॉइंट, तो किया सबने है एंड दिस इज वेरी नेचुरल थिंग. तो इस चीज़ से उन्हें बैन लगाना, उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया है जो टैबू है इंडिया में कि ओ माई गॉड ये क्या हो गया नहीं करना चाहिए था. दिस इज नॉर्मल, दिस इज नेचुरल, और इंडिया की पॉपुलेशन देख के यहाँ तो होते ही रहता लगता है. तो उस हिसाब से एक्चुअली बैन नहीं लगना चाहिए. सो या बैन नहीं लगना चाहिए, बाकी जो है वो देखा जाएगा. यस ऑब्वियसली हटा देना चाहिए, बैन ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब उनको लेसन लर्न हो जाए उतना होना चाहिए. पर प्लेयर तो काफ़ी अच्छे हैं, उनको ये क्रिकेट को अफेक्ट नहीं किया है, उन्होंने जो भी बोला उनके गेम को अफेक्ट नहीं कर रहा है, तो मेरे हिसाब से बैन ज़्यादा नहीं होना चाहिए. उनको मतलब पता चलना चाहिए कि आप जब एक नेशन को रिप्रेजेंट करते हो तो आपके ऊपर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और आप ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल सकते हो यार. आपके इतने सारे लोगों का मतलब जब इंडिया का मैच होता है, इंडिया पाकिस्तान का या फिर इंडिया का मैच किसी के भी साथ होता है, सब लोग पूरी फैमिली बैठकर मैच देखती है, तो वो बहुत बड़ी बात है. और जो भी फैमिलीज़ हैं वो भी उनको फॉलो करती है. तो जो है मैं किसी भी प्लेयर को ये सजेस्ट करना चाहूँगा, आप कुछ भी ऐसे मत बोलिए क्योंकि आप पूरे नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हो. या प्लीज़ हार्दिक पांडे को आप बैन मत कीजिए, आप वो बहुत ही अच्छे क्रिकेटर हैं और इवन आगे फ्यूचर में भी वो अच्छा खासा कर सकते हैं, तो किसी की लाइफ को लेके इतना बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए.